हैंडी ऑफ कर दिया हैंडी ऑफ कर दिया मैंने सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहां पे जी जनाब आलिया मामा का शोर हम वहां तक सुन रहे थे भाई कितने प्यारे प्यारे यहां पर बच्चे अस्सलाम वालेकुम वैसे तो सारे लोग सोचेंगे रमज़ान मुबारक में मैं कोई वीडियोस ही नहीं डालती हूँ क्या कि शूट पर यहाँ पर होती हूँ लेकिन बहुत सारी वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर ली इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो यहाँ मैं सारे बनी ट्रस्ट में आई हूँ और रास्ता इतना लंबा था कि मैं सो गई थी रोजे में नींद पता नहीं क्यों बहुत आती है सो गई अब मैं यहाँ के बैठी तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा क्यों काश मेरे हाथ में मैंने कहा अल्लाह ये एक नज़र इन पर डाल लें ताकि हम कुछ कर सकें और लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ होता है। शहजाद कैमरे पर हैं जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी है प्लस कैमरा मैन है। थैंक यू शहजाद वेलकम। मेरा मेकअप हो गया था ऑफिस में आज गर्मी बहुत है जैसे ऐसे रोजे आगे बढ़ते जा रहे हैं गर्मी हो रही क्या ख्याल है हो रही है ना गर्मी बिल्कुल मेरा फोन लेके भाग रहा है किसके पास है शूट पे आ जा ये भी एक मैं खुद ही लाइट से दरवाजा खुला रहेगा क्या रहेगा पहले डायरेक्टर साहब देख ले जरा इनको साथ ले लेना ले कर लेता अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से दावत इफ्तार की एक शानदार सी एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। दावत इफ्तार एक ऐसा शो जहां हम नेकियों का सिलसिला जो है बांटने का सिलसिला जो है दोबारा बनी ट्रस्ट में और इस शो पर मेरा साथ देने के लिए मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त भी हैं और उन्हें बुला लेते हैं ताकि उनसे हम कुछ चैट भी करेंगे और बच्चों के लिए और खवातीन के लिए यहाँ क्या एहतमाम करें हैं वो भी जानेंगे। आइए सारा फरहान अस्सलाम वालेकुम रमजान मुबारक आपको भी मुबारक हो कैसे हैं आप करिए बिल्कुल ठीक आप कैसे थैंक यू आपने टाइम निकाला और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ऑब्वियसली आप हर चैनल पे नज़र आ रही होती हैं सब लोग चाहते हैं आपसे बात करना बहुत कुछ जानना तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं और मैं चाहूँगी कि आप हमें खुशियाँ लेकर आने का बहुत शुक्रिया बिल्कुल अंदर चलते हैं क्योंकि असल महफिल तो अंदर मैं तो इस तरह से हो रहा है अदरवाइज जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मैं जैसे ही बेल देती हूँ मेरे पैर देख कर ना बच्चे भागते जाते हैं आलिया मम्मा अच्छा तो ठीक है वैसे कर लेंगे हाँ तो आवाज देंगे ना हैंडी ऑफ कर दिया सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर जी
आलिया मामा, आलिया मामा का शोर हम वहाँ तक सुन रहे थे भाई। कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर बच्चे बहुत शुक्रिया, मेरी सारी तारीफ और एनर्जी तुम लोग शुक्रिया। और एक मिनट में मेरे सारे बच्चे आज बाहर की तरफ। आलिया मामा का शोर है। बात यह है कि ये एंट्रेंस एक तो देखिए जैसे भी दाखिल होती है हमारी मोहब्बत, और फिर एक निगाह में मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे इस वक्त के साल में। जो बच्चा मेरे पास उस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा होता तो मैं फौरन उसको पूछती हूँ बच्चा किधर है। मैं हाथ मिलाती हूँ तो मुझे उसका बॉडी टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये जो इंटरेक्शन आते मेरी इनके साथ हो जाती है वो एक इस तरह से बच्चों के लिए रिलैक्सिंग है कि उनको पता है कि आलिया मामा जब भी आएंगी सबसे पहले बच्चों से मिलेंगी। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी पूरी टीम सही है। और ये दो बच्चे यहाँ बचपन में आए थे और अब देखें जवान हो चुके हैं। हाँ अबिल, आपने देखा ये दो बच्चे यहाँ पर जवान हो चुके हैं। ये दो बच्चे आप अल्लाह ना करे। अब हमने जो टी केक रेडी किया हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो बाकी पैसा होता है वो ऐसा है, मुझे तो हैरत होती है उन अमीर लोगों पे जिन्हें पता है कि कफन में जेब नहीं, साथ में कुछ जाना नहीं और इतना पैसा है कि उन्हें हिसाब किताब नहीं। वो ये छोड़ कर जाएंगे सिवाय उसके जाने के, अब फसाद से कुछ नहीं होता। कमाइए, पैसा जरूर कमाइए क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दी है, लेकिन रिश्तों को साथ रख के कमाइए। और पैसा कैसे आएगा और कहाँ जाएगा ये जरूर। मुझे तो लगता है आसान हो गया। अच्छा मेरे को ऐसी फील है, मुझे ऐसी फील आ रही। क्या टाइम हो रहा है? मुझे तो बहुत नोटिफिकेशन देते हो मेरा खास है ना, वो आसमान देखकर ऐसे लग रहा है। चावल लाओ फौरन जी, चावल इधर लेके फौरन लाओ। और समोसे पकोड़े सब किधर है, केले किधर है? चलो सब बैठ जाएं, ठीक है? यस रोलिंग, खामोशी थोड़ी देर। चलो, वेलकम बैक टू शो दावत इफ्तार। आप देख सकेंगे बैक पर रोजा चल ही गया है वैसे तो, और इफ्तार का एहतमाम हम यहाँ देख रहे हैं। ये हर रोज इसी तरह से खूबसूरती के साथ एहतमाम होता है।
सारा, मैं मिरर में नजर आ रही हूँ शूट करती हुई, कैसा लगा आपको सारे बनी ट्रस्ट पे आके? कितनी दफा बता दिया आपने वैसे? अब मेरे इधर आती बस आपके। हाँ बेसिकली ना अभी अच्छा इसलिए लगा कि हमने वो रियलिटी देखी यहाँ पे जो कि अमूमन सिर्फ हम सुनते थे और हमारा दिमाग ही वो मतलब बैलेंस नहीं होता था क्योंकि हम सुनते कुछ थे, कहा कुछ और जाता था, बताया कुछ और जाता था, दिखाया कुछ और जाता था, किया कुछ और जाता था। हाँ हमने जो यहाँ पर सुनी जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का हिस्सा है, बींग अ मुस्लिम मुझे तो लगता है शायद हमारे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं है जो कि महरम रिश्तों को किस तरह से मैं कवर करके बोलूँ मुझे तो बात भी नहीं समझ आ रही है। जिस तरह से आलिया भाभी मुझे जब बता रही थी, जब मैं ऑफ कैमरा बता रही थी, आप बिलीव करें मेरे रोंटे खड़े हो गए कि वो बच्चा हम जब यहाँ पर देख रहे थे तो मैं कहती हूँ वो बड़ा होगा, बड़ा होकर वो क्या बोलेगा, कौन मेरे बाप हैं, कौन मेरी माँ है, मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे उसे पता चले क्या, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी गिल्टी रहेगा कि मेरे माँ बाप अच्छा ये थे और मतलब वो क्या इतना मोहब्बत से भरा रिश्ता। और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे कवर करके बोलूं क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती सोशल मीडिया पे भी इतना खुल के बोल दूं, बस ये है कि रिश्तों का वो करें, लिहाज रखें, जैसे इस्लाम में कहा है ना कि बाप जब बच्चा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ी हो जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, माँ के साथ बेटे का डिस्टेंस होना चाहिए जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये वाकई इस्लाम जो कहता है उसे फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सारा, आपने ज्वाइन किया हमें, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमारा इफ्तार का सेटअप हुआ हुआ है, उसके बावजूद अभी तक सारा ने कुछ नहीं खाया। सारा की बहुत तबीयत खराब थी, सारा जो है ना यहाँ पर बीमार होकर आई है, वो बेचारी सुबह हॉस्पिटल में थी और आज यहाँ पर आ गई। एनीवेज आपने देखा होगा कि रमज़ान में मैंने बहुत सारी एपिसोड्स आपको जो है ना दावत इफ्तार की बिहाइंड द सीन्स दिखाए हैं जो कि हमने एनजीओज में जाके किए हैं। एंड सारम बनी ट्रस्ट में मुझे आके एक्चुअली में अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर शायद मैंने बच्चों में बहुत मोहब्बत देखी है जो कर रहे हैं यहाँ पर इन लोगों के साथ। और जैसे सारा कह रही थी बड़ा नीच है सब कुछ, तो बाकी बहुत नीच और बहुत ही मोहब्बत और खलूस के साथ यहाँ पर सब लोगों को जो है ना ट्रीट किया जा रहा है। अल्लाह करे सब लोग अपने घरों में खुश रहें और सब लोग रिश्तों का पास रखें, ज़रूरी है इज्जत रखें, और जिसके पास रिश्ते हैं उनकी इज्जत करना सीखें और उन रिश्तों को महफूज रखें। हिसाब से ज़्यादा